राजधानी के विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण जारी है। एसएस मेडिकल शोभा सिंह, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री प्रकाश नकाते समेत कुछ और अधिकारी अलग अलग अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। जैसे एसएस मेडिकल शोभा सिंह महिला अस्पताल पहुंची है, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बाद की व्यवस्थाओं को भी देखा जा रहा है। हर एक जानकारी चिकित्सकों से भी ली जा रही है, चाहे महिला मरीज हो या फिर चिकित्सक हो। यह अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि यह फीडबैक ही आने वाले समय की तस्वीर तय करेगी। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह अस्पतालों का निरीक्षण कर रही हैं। विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण भी आगे भी जारी रहेगा। जेके लोन अस्पताल भी पहुंचना है, इसके अलावा और अस्पतालों का निरीक्षण, क्योंकि कुछ और अधिकारी अलग अलग अस्पतालों में पहुंचे हैं निरीक्षण के लिए। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिला चिकित्सालय पहुंची, वहां की व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है। महिला मरीजों से भी बातचीत की गई और अब हर एक जानकारी लेती हुई चिकित्सकों से और वहां के अधिकारियों से नजर आ रही है एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रकाश नकाते समेत कुछ और अधिकारी अलग अलग अस्पताल पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही निरीक्षण लगातार जारी है। बेहद खास तस्वीरें राजधानी जयपुर से, महिला चिकित्सालय से, और देखिए एसीएस के साथ उनके अधिकारी भी, क्योंकि हर एक रिपोर्ट, फीडबैक पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब जैसे मिल रहा है वो सब नोट किया जा रहा है। तो एक की नोट बनाई जा रही है। बेहद खास तस्वीरें, बेहद अहम जानकारी। अब इस बात से आप अंदाजा लगाइए, जो सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ सेक्टर, मरीज एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह कितनी सजग नजर आ रही हैं। अब फर्स्ट इंडिया पर जो भी प्रदेश की जनता ये तस्वीर देख रहा होगा, उसके लिए इससे संतुष्टपूर्ण तस्वीर और क्या होगी। क्योंकि देखिए कैसे हर एक जानकारी कि ये यहां पर टैंकी है, यहां पर गंदगी क्यों है, यहां पर जो काम अधूरा है, ये बिल्डिंग का निर्माण है, आसपास क्या चीजें हैं, गंदगी है, या हर एक चीज जो है वो अपनी जानकारी में ले रही है। हर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके आधार पर ही फैसला किया जाएगा। इसके अलावा इससे पहले की तस्वीरें दिखाई थी जब मरीजों से भी बात की जा रही थी। मरीजों की विकास शर्मा लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, उनका रुख करते हैं अपडेट के लिए। क्योंकि विकास जी अब बाहर की व्यवस्थाओं का अपडेट ले रही हैं, और सबसे खास बात यह कि जो साथ में अधिकारी आए हैं वो की नोट बनाते जा रहे हैं, वो उस पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं। पानी पीने की जगहों से लेकर कचरा या जो निर्माण कार्य है, हर एक की जानकारी, कितनी खास तस्वीरें हैं। और प्रदेश की जनता अगर ये देख रही होगी तो कितनी संतुष्टपूर्ण तस्वीरें हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल, जो ये नोटिंग जो हो रही है उसके पीछे का आपको कारण बता दूं, चिकित्सा विभाग ने अस्पतालों के अंदर जो जितनी भी व्यवस्था है उनको सब की पॉइंट के रूप में निर्धारित किया हुआ है, और उन्हीं की पॉइंटों के आधार पर जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और तमाम जो अधिकारी जो है वो औचक निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं, और उसकी रिपोर्ट जो है मुख्यालय को दी जा रही है। तो उसी बेस पे आज जो निरीक्षण कर रहा है तो उसमें भी वो की पॉइंट जो है उन की पॉइंटों के आधार पे उनको ओके किया जा रहा है कि साफ सफाई कैसी है, शौचालय की व्यवस्था कैसी है, मरीजों की चादरें जो बदली जा रही है बदली जा रही है, उसके अलावा मरीजों का खान पान जो है वो किस तरह का, हाइजीन जो है वो किस तरह का मिल रहा है उनको, उसके अलावा वहाँ की जो कर्टन्स वगैरह है उनकी स्थिति क्या है, आईसीयू की स्थिति क्या है, लेबर रूम की स्थिति क्या है। तो वो जितने पॉइंट निर्धारित उन सभी पॉइंटों के आधार पर जो मार्किंग जो की जा रही है उसी के आधार पर ये जोरा है उसके अंदर ठीक किया जा रहा है, मार्किंग की जा रही है। इसी बेस पर आगे भी कवायद जारी रहेगी, सभी अस्पतालों की तरफ से मार्किंग की जा रही है। जी ठीक है। तो ये जिस तरीके से जांच की जा रही है उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि चाहे जो मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं यहाँ पर है, जो कैंटीन बनाई गई है, या पानी की व्यवस्था है, हर एक चीज की बारीकी से जानकारी लेना, ये अपने आप में कितना खास आप अंदाजा लगाइए कि क्या जो मरीजों को खाना यहाँ पर मिल रहा है, जो पानी की व्यवस्थाएं हैं, जो कैंटीन यहाँ पर है, और इसके अलावा दूसरी जो चीजें हैं, हर एक की जानकारी ली जा रही है। चाहे गंदगी का यहाँ पर नजर आया हो, या निर्माण कार्य यहाँ पर जो चल रहा हो, सफाई व्यवस्था और कितनी दुरुस्त हो, मरीजों को लेकर जो चिकित्सीय सुविधाएं हो वो और कैसे बेहतर हो, हर एक तरीके से, हर एक पॉइंट से, हर एक मद्देनजर जानकारी अपने आप में बेहद खास।
मेडिकल शुभ्रा सिंह अस्पतालों का निरीक्षण कर रही हैं। महिला चिकित्सालय की तस्वीरें जरा देखिए, और एक जानकारी वो लेती हुई नजर आ रही हैं। अंदर का जायजा उन्होंने लिया, मरीजों से बातचीत की, अब बाहर की जानकारी भी वो ले रही हैं। अपने आप में बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मरीजों के साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जिस जगह पर आप अपना इलाज कर रहे हैं वो इलाज भी साफ सुथरा होना चाहिए। लिया जा रहा है, उसे नोट भी किया जा रहा है, और इसके अलावा अन्य अधिकारी भी अलग अलग जगहों पर निरीक्षण कर रहे हैं अलग अलग अस्पतालों का, और ये देखा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज इन प्लेस, और टॉयलेट्स की व्यवस्था है, लेकिन हमने उनको कहा है कि क्यूआर कोड के हिसाब से, जो कि हम प्रदेश भर में एक व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं, वो व्यवस्था यहाँ भी लागू होनी चाहिए। राउंड लेने पे पता चला कि यहाँ का जो पुराना एसटीपी है और जो एमसीएच विंग में जो टॉयलेट विंग बना था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं एनएचएम के और डीएमई के, उनके साथ पीडब्ल्यूडी के साथ बैठ के इसमें जो एक आधारभूत संरचना, जो एक स्ट्रक्चरल जो एक चैलेंज है उसको हम देखेंगे, और उसके ठीक होने से मुझे लगता है जो यहाँ का पेशेंट है और उसके परिजन है उनको बहुत सुविधा मिलेगी। जो गंदगी हो रही है यहाँ पे और जो प्रॉब्लम है, किचन की व्यवस्था ठीक थी, साफ सुथरे बर्तन हैं, खाना ठीक से बन रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए मैंने कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि उस व्यवस्था को थोड़ा सा और सुधार किया जाए। बाकी अच्छा प्रबंधन है, अच्छा प्रबंधन है, और कुछ सुझाव आए हैं जिन पे मुझे लगता है कि ये लोग उस पर ध्यान देंगे और उसमें और सुधार करेंगे। आपने एक निरीक्षण को लेकर कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए थे, उसकी रिपोर्ट भी अब हर सोमवार को मिल रही है, उससे कितना बदलाव देखते हैं? अभी 3 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और अभी आंकड़े तो आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं, जैसे कल ही मैं पूछ रही थी, तो जो टॉयलेट्स पहली बार में आए थे कि 60% टॉयलेट्स जो देखे गए थे वो ठीक नहीं थे, उनमें से 25% ऑलरेडी सुधार हो चुका है। तो 3 हफ्ते के अंदर इतना बड़ा एक सुधार आना, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास है और इसमें हम आगे लगे रहेंगे। मैंने सबको ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आपके आरएमआरएस में ही राशि है, उसी को यूज़ कर लीजिए तो तुरंत आपका फर्क पड़ने लगता है। और जिस तरह से क्यूआर कोड बेस्ड एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, हेल्प डेस्क लग रही हैं, तो रोगी और उनके परिजन, उनको लाभ तुरंत मिलना चाहिए, और उनको लगना चाहिए कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भाव है कि जब रोगी अस्पताल में आए तो उसको एक अच्छा स्वस्थ साफ वातावरण मिले, और उसकी अगर कोई समस्या है तो उस पर त्वरित उसका समाधान होना चाहिए, उस ओर हम बढ़ रहे हैं। पहले निरीक्षण की भी आपको तस्वीरें दिखाई, और अब मीडिया के सामने आकर उन्होंने बताया कि इस निरीक्षण के दौरान क्या खामियां और क्या अच्छी बात निकलकर सामने आई है।